हे गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग इस वीक के जो टॉप करंट अफेयर्स हैं और जो डिफेंस न्यूज है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ऐसे ही हम लोग हर एक वीक डिफेंस न्यूज और करंट अफेयर्स लाते रहते हैं। तो अगर आपको हमारे सीरीज पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हैं। तो इस वीडियो की जो फर्स्ट न्यूज है वो है कि 11th ऑफ अक्टूबर को एक इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च करेंगे। और ये जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन होगी ये एक प्रीमियर इंडस्ट्री एसोसिएशन होगी। और ये जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन होगी ये एक स्पेस और सैटेलाइट कंपनीज की एक प्रीमियर इंडस्ट्री एसोसिएशन होगी। और यह जो ISPA है इसको आत्मनिर्भर भारत के अंदर बनाया जाएगा। और यह जो ISPA है यह इंडियन स्पेस इंडस्ट्री की एक कलेक्टिव वॉइस बनेगी। और यह जो ISPA है इसकी जो फाउंडिंग मेंबर होगी वो होगी टाटा ग्रुप, भारती एयरटेल, MapMyIndia, OneWeb और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी। और इसके साथ ही जो ISPA है इसकी जो कोर मेंबर होगी वो होगी BEL, गोदरेज, यूगस इंडिया और दूसरे कंपनीज। जो नेक्स्ट न्यूज है वो है श्रीलंका से कि श्रीलंका में एक पोर्ट बनने वाली थी जिसको चाइना बनाने वाला था, जिसका जो कॉस्ट था वो था $500 मिलियन। तो यह जो $500 मिलियन का जो पोर्ट बनने वाला था श्रीलंका के कोलंबो में, तो इसके वजह से इंडिया को थोड़ी बहुत दिक्कत भी थी, क्योंकि हो सकता था कि चाइना ये जो पोर्ट है वो किसी मिलिट्री यूज के लिए या फिर आगे जाके अगर कोई वॉर होता है उस टाइम भी हो सकता था कि चाइना इसको इंडिया के अगेंस्ट में यूज करे। बट अभी के टाइम पर जो यह डील थी, यानी कि जो ये पोर्ट बनाने की जो डील थी वो चाइना को ना मिलकर इंडिया की जो कंपनी है अडानी, उस कंपनी को मिला है डील। और ये जो डील है वो $500 मिलियन से बढ़कर $700 मिलियन हो गए। और अभी के टाइम पर अडानी के ये जो पोर्ट है इसके लगभग 51% शेयर्स रहेंगे। तो ऐसा बहुत हद तक चांस है कि चाइना इंडिया के अगेंस्ट में ये जो पोर्ट है इसको किसी भी तरह से यूज नहीं कर पाएगी। तो नेक्स्ट न्यूज है यूके से। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट कुछ वीडियो में बताया था कि इंडिया के जितने पैसेंजर्स हैं जो कि यूके में जाते हैं, इवन दो दे आर फुली वैक्सीनेटेड, उनको वहां पे 10 दिन का जो क्वारंटाइन है वो करना पड़ता था। तो इसके अगेंस्ट में इंडिया ने भी यूके से आने वाले जितने पैसेंजर्स हैं उनका जो 10 डेज का क्वारंटाइन है वो मैंडेटरी कर दिया। बट अब ऐसी न्यूज आ रही है कि यह टिट फॉर टैट करने वाला जो सीन है इसकी वजह से यूके की जो गवर्नमेंट है उन्होंने थर्सडे को ऐसा अनाउंस किया कि अब कोई भी जो इंडिया से जो पैसेंजर आता है यूके के लिए उनको क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं है। और इवन दो वो कोविशील्ड से वैक्सीनेटेड है उनको वैक्सीनेटेड ही माना जाएगा, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। और यह जो रूल है वो 11th ऑफ अक्टूबर से लागू होगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो है कश्मीर से। जैसे कि आप लोगों ने बहुत ही हद तक सुना होगा कि पिछले कुछ दिनों में कश्मीर के जो 2 टीचर्स हैं उनको मारा गया, जिसमें से एक सिख कम्युनिटी से थे और दूसरे जो थे वो हिंदू थे। तो इस चीज की वजह से एक इंटरेस्टिंग सी बात निकल के आ रही है कि अब जो टेररिस्ट हैं जो कि कश्मीर में ये जो ऑर्गेनाइज किलिंग है वो कराते हैं, वो पहले तो इंडियन आर्मी से लड़ा करते थे और उनको मारा करते थे। बट उनके जो किलिंग पैटर्न है वो हल्का सा भी चेंज हुआ है, क्योंकि अभी के टाइम पे इंडियन आर्मी बहुत ज्यादा पावरफुल है। वैसे तो इंडियन आर्मी पहले पावरफुल थी बट अभी और ज्यादा उनके पास इक्विपमेंट्स है और वो अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कश्मीर में ऑपरेट कर पा रही है। तो इसके वजह से जितने पुराने जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे वो और उसके बाद और भी जो नए टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि रिसेंटली बने हैं, वो जो माइनॉरिटीज हैं, सिविलियंस हैं, आउटसाइडर्स हैं और जो नॉर्मल लोग हैं उनको टारगेट बना रही है। और जब हम लोग बात करते हैं कश्मीर के माइनॉरिटीज के बारे में तो वो है मोस्टली सिख्स और हिंदूज। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो है एयर इंडिया और टाटा ग्रुप से रिलेटेड। तो यह न्यूज है कि एयर इंडिया को इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने 18,000 करोड़ में टाटा ग्रुप को वापस से बेच दिया है। और वापस से बेचना इसका मतलब यह है, जब एयर इंडिया की शुरुआत हुई थी तो इसकी शुरुआत हुई थी एज अ टाटा एयरलाइंस, जिसको कि जेआरडी टाटा ने फाउंड किया था। और यह जो एयर इंडिया है यह बहुत ही सालों से डेब्ट में चल रही थी, इसकी जो सर्विसेज है वो डाउन हो रही थी। और बहुत ही सालों से बहुत सारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे तरीके से जो एयर इंडिया है उसको अच्छे तरीके से रन करने की कोशिश की, बट सभी के सभी फेल हुए। तो इसके बाद इतने सारे सालों के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बेचने का प्लान बनाया था, जिसके बाद टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ की बिट लगाकर यह जो एयर इंडिया है उसको वापस खरीदा। और टाटा ग्रुप का कहना है कि वो जो एयर इंडिया है इसको डेब्ट से बाहर निकालेंगे और इसको फिर पहले से करेंगे, जैसे कि यह जेआरडी टाटा के टाइम पे हुआ करती थी। और उसके साथ ही एक और बात है कि यह जो एयर इंडिया है जो कि पहले टाटा एयरलाइंस के नाम से चला करती थी उसको बहुत ही क्रूअल वे से टाटा ग्रुप से हटाया गया था और गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाया गया था। और आज के टाइम पे सेम गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट और खराब तरीके से रन करने की वजह से जो ये एयरलाइंस है वो वापस उसी कंपनी के पास जा रही है जिस कंपनी से उन्होंने ये एयरलाइंस को क्रूअल वे से लिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो है ताइवान और चाइना से रिलेटेड। कुछ टाइम पहले ऐसी बहुत सारी न्यूज चल रही थी कि ताइवान ने चाइना का फाइटर जेट है उसको मार गिराया है, उसको शूट डाउन किया है, जो कि ऑब्वियसली एक फेक न्यूज थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही ताइवान ऐसा कुछ क्लेम करती है। बट इसके कुछ टाइम बाद ही चाइना ने ताइवान पे 52 फाइटर जेट्स भेजे। और सिर्फ फाइटर जेट्स ही नहीं, वो जो 52 जेट्स थे उसमें कुछ बॉम्बर्स
रॉकेट्स भी थे जो कि चाइना ने ताइवान के ऊपर भेजे थे। और इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि चाइना अगर कभी चाहे ताइवान को उड़ाना तो वो इजीली उड़ा सकती है। और उसके साथ ही जो ये बॉम्बर थे वो इवन जो न्यूक्लियर पावर बॉम्ब्स होती हैं वो भी कैरी करने में कैपेबल थी। तो इसके अगेंस्ट में जो ताइवान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने इसके अगेंस्ट में एक स्टेटमेंट दी, जो ताइवान है वो अभी से जो वॉर है चाइना के साथ उसके लिए प्रिपेयर कर रही है और उन्होंने मेनली ऑस्ट्रेलिया से हेल्प मांगी है क्योंकि ताइवान ऑस्ट्रेलिया आसपास में ही है। और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के पास अभी के टाइम पे ऑकस की वजह से कुछ हद तक पावर हो सकती है और इवन आगे जाके ये जो पावर्स है वो और ज्यादा बढ़ेंगी। तो इसीलिए ताइवान ने ऑस्ट्रेलिया से और पूरे वर्ल्ड से हेल्प मांगी है ये जो चाइना और ताइवान का जो इशू है इसको लेकर। और इससे रिलेटेड एक इंडिया की भी स्टेटमेंट आई थी जो कि प्रॉपर इंडिया से तो नहीं आई थी बट इंडिया के जो अभी के टाइम पे जो चीफ एयर मार्शल है वीर चौधरी उनका एक स्टेटमेंट आया था कि ताइवान और चाइना के बीच में जो भी हो रहा है वो उनका पर्सनल मैटर है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मैटर है वो उन दोनों का है और उन दोनों के बीच में ही रहेगा और उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। और उसके साथ ही चाइना के अगेंस्ट में यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारे कंट्रीज और इवन तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी चाइना के अगेंस्ट में स्टेटमेंट पास कर रही है बट इंडिया बहुत ही टाइम से इस मैटर में शांत है। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपके पास कुछ सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना।